बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। तो कैसी है मेरी प्यारी प्यारी YouTube फैमिली। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बट कढ़ाई। बट कढ़ाई आप चिकन में भी बना सकते हैं, मटन में भी और बीफ में भी। मैं मटन में बना रही हूँ। ये एक किलो मेरे पास मटन था, इसको मैंने पहले से ही बॉईल कर लिया है। नमक और सिरका डाल के मैंने इसको अच्छे से बॉईल कर लिया है। 6 टमाटर लिए हैं मैंने, ये बड़े टमाटर लिए हैं। इसको देखें, 4 पीस में मैंने काट लिया है। 6 से 7 हरी मिर्चें ली हैं मोटी वाली मैंने। अदरक ली है, स्लाइस कर लिए हैं इसके ऊपर। देखें, इसको कटिंग कर ली है इसकी, बारीक बारीक ही कीजिएगा, मोटे मोटे अजीब लगते हैं मुँह में आते हुए। हरा धनिया लिया है मैंने। अगर आप बॉयल गोश्त लेंगे उसके साथ, मैंने देखें प्याज जो है मैंने ब्लेंड कर ली है। ये 3 बड़ी प्याज की डलियाँ हैं, मीडियम साइज़ की आप ले लीजिएगा। जो मीडियम से जो छोटी से जो बड़ी होती हैं वो वाली मीडियम साइज़ की लीजिएगा आप। आजकल आपको पता है प्याज बहुत तेज़ आ रही है, मैंने हल्के से पानी के साथ इसको ब्लेंड कर लिया है। 3 डलियाँ हैं प्याज की। उसके अलावा ये दही हैगी, 1.5 कप दही ले लीजिएगा आप ब्लेंड कर। वो इसको भी पहले आप फेंट लीजिएगा अच्छे से, इसके अंदर कोई दाना ना रहे। ये क्रीम ली है मैंने, 1 कप के करीब क्रीम ली है मैंने। 3 चमचे लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। जो जो मसाले हम डालते जाएंगे वो मैं आपको बताती जाऊंगी। अगर आप कच्चे गोश्त में बनाएं, मतलब आप गोश्त के साथ ही इन सब चीज़ों को गलाएं, तो आप प्याज बस काट लीजिएगा, ब्लेंड मत कीजिएगा उसको, ताकि आप गोश्त के साथ ही प्याज को गला लें तो उसका दाना अच्छे से बन जाएगा। चलें अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करें, बेल आइकॉन दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे तो हम सब दें जी। तो आप देखें, सबसे पहले तो मैं गोश्त डाल दूँगी, ठीक है, कि गला हुआ। अब हम इसमें टमाटर शामिल कर रहे हैं, टमाटर के बाद हम प्याज का पेस्ट डालेंगे इसमें। अगर आपने गोश्त नहीं गलाया तो आप प्याज साबुत डालेंगी और इसमें पानी डालेंगे और रख देंगे जी। तो प्याज क्योंकि अपना पानी छोड़ेगी, अभी टमाटर भी मैं आधा कप इसमें पानी डालूंगी। गोश्त गला हुआ, याद रखिएगा, अगर आपने गोश्त नहीं गलाया, आपको प्याज साबुत डालनी है, ब्लेंड करके नहीं डालनी, बस इसी तरह से आपने इसको डालना है, पानी डालना है गोश्त गलाने जितना, और फिर आपको इसको ढक देना है। अब मैं इसको इस स्टेज पे ढक रही हूँ। 5 से 10 मिनट ये पकेगा, क्योंकि टमाटर का मुझे छिलका मूव करना है इसमें से, जब तक ये पकेगा जी। तो आप देखिए, मैं इसको कैप कर रही हूँ। अब हम इसको 10 से 15 मिनट बाद चेक करेंगे जी। तो अब मैं इसको चेक करूँगी। अब मैं इसमें स्पाइसेस डालूंगी। स्पाइसेस में लाल मिर्चें, इस वक्त लाल मिर्चें, हल्दी और नमक। ये 3 चीजें डालेंगी और हम इसको मिला लेंगे। ढकने से पहले हम इसमें पानी डालेंगे, आधा कप ही हम पानी डालेंगे इसमें, और अब हम इसको ढक देंगे।
जी। तो अब हम इसमें दही डालेंगे। देखें ड्राई हो गया पानी, अब मैंने इसमें दही डाली। अब हम इसमें अदरक डाल देंगे हाथ के हाथ। ये देखिए अदरक डाल देंगे हम हाथ के हाथ। इसमें अदरक डाल के हम इसको थोड़ी देर मिलाएंगे। तो अब मैं इसके अंदर तेल डाल रही हूँ, घी डालूंगी मैं इसमें। एक कप के करीब हमें घी डालना है, बट कढ़ाई में बाद में डलता है। ये एक कप के करीब घी है, इसको मैं मिला लूंगी। ये डाल के मिला लूंगी। अब आई इसमें रौनक जरा। तेज आंच पे होगी इसकी बुनाई। अब मैं इसमें मसाले डाल रही हूँ। मसालों में लास्ट में हमें जो जो चीज़ें डालनी है, काली मिर्चें, धनिया पाउडर। आप अपने स्पाइसेस से ले लीजिएगा। मैंने एक और चम्मच डाला है गरम मसाला, आधे चमचे के करीब बस गरम मसाला लीजिएगा। घी ऊपर आना शुरू हो गया, बुनाई स्टार्ट हो गई है। इंशाल्लाह गरम मसाले की रेसिपी मैं बहुत जल्दी आपको बताऊंगी। लेकिन कढ़ाई का कलर काला नहीं हुआ गरम मसाला डाल के भी। गरम मसाला काला होता है तो काला कलर का हो जाता है खाना। गरम मसाला अगर ब्राउन कलर का होता है तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। चलिए अब हमें क्या करना है, आप नमक चेक कर लीजिएगा। अब बस क्योंकि डन होने पे ये नमक चेक कर लीजिएगा, नमक कम ज़्यादा हो कर लीजिएगा। थोड़ा नमक डाल रही हूँ मैं। लास्ट में हम इसमें क्रीम डालेंगे। अब मैं इसमें क्रीम डाल रही हूँ। देखें बुनाई के वक्त हमने इसमें क्रीम डालनी है। क्रीम डाल के हम इसको मिला लेंगे। क्रीम से इसका कलर देखें कितना अच्छा हो जाएगा। हरी मिर्चें डाल रही हूँ। जी तो अब मैं इसमें हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ। बस बीच से मैंने कट लगा दिया हरी मिर्चों पे। हरा धनिया, अदरक के स्लाइस, और ये हमने सबसे लास्ट में ये हमने मक्खन ऐड कर दिया। ये हो गई है हमारी बट कढ़ाई बिल्कुल रेडी।
दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामुअलैकुम।